सबको मेरा प्रणाम। प्राणायाम योग का एक अभिन्न अंग है और प्राणायाम के बहुत सारे लाभ हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्राणायाम करने से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले प्राणायाम हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाता है और जिसकी प्राण शक्ति जितना अधिक होती है उसकी जीवनी शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति उतनी ही अधिक हो जाती है। तो प्राणायाम से आप अपने इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। यदि आपका मन चंचल है, मन अस्थिर है, बेचैनी से बनी रहती है तो आप प्राणायाम करना शुरू करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। नींद आपकी ठीक नहीं है, आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम है तो आप प्राणायाम का अभ्यास करें, आपको नींद बहुत साउंड स्लिप आएगी। उत्साह यदि आपका कम है, किसी भी काम को आप करते हैं और करने से पहले ही कई बार नकारात्मक विचार आपको घेर लेते हैं तो आप प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। प्राणायाम अनुलोम विलोम करें, नाड़ी शोधन कर लें, भस्त्रिका करें, भ्रामरी करें, तो इस तरह से कई तरह के जो प्राणायाम हैं उनको आप किसी सही अच्छे गुरु के सानिध्य में जाकर सीखें और फिर इनकी गहराई को समझते हुए, क्योंकि इन प्राणायाम का संबंध सूक्ष्म नाड़ियों से है, सूक्ष्म ऊर्जाओं से है। तो हमारे शरीर की जो सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं वो आपके जीवन को निर्धारित करते हैं, आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को हमारी सूक्ष्म ऊर्जाएं ही निर्धारित करती हैं। तो प्राणायाम का अभ्यास सही गाइडेंस में करें, अच्छे गुरु के सानिध्य में करें। तो प्राणायाम का अभ्यास करने से आप अपने जीवन को उत्साह से भर सकते हैं, नए नए कार्यों को करने की शक्ति आपको प्राणायाम से प्राप्त होती है। जितने भी रोग शरीर में, ऐसा कोई रोग नहीं जो प्राणायाम से ठीक नहीं होता। तो प्राण शक्ति को बढ़ाओ, रोगों से मुक्त हो जाओ, प्राणायाम का अभ्यास करो। अनेकों लाभ प्राणायाम के हैं जिनको हम अब शब्दों से व्याख्यान भी नहीं कर सकते, शब्दों से उनको बता नहीं सकते, ऐसे लाभ हैं प्राणायाम के। इतना लंबा वीडियो हो जाएगा यदि मैं आपको प्राणायाम के लाभों पर पूरा विस्तार से बताना शुरू करूं। तो आप कम शब्दों में समझें कि सारे समस्याओं का समाधान है प्राणायाम। मन का रोग हो, चाहे शरीर का रोग हो, चाहे आत्मिक शक्ति बढ़ाने की बात हो, आप ध्यान और समाधि को प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको प्राणायाम से करके ही उस मार्ग को आपको प्राप्त करना होगा। तो आप अपने आप को स्वस्थ बनाएं, निरोगी बनाएं। आप सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं। ओम। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।